कार्यकारी महोदय, द्वितीय सदस्य साहब, सीओ सिटी साहब, एआरडीओ साहब, डीडीओ साहब और आपके कार्यक्रम के मूल तत्व श्री रमेश कुमार जी जो प्रदेश के एसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इनकी पूरी टीम, विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी विद्वान प्राध्यापक, आर एल लाइन साहब, इंस्पेक्टर महिला थाना, वन स्टाफ सेंटर की प्रभारी, चौकी इंचार्ज, मिशन सख्त से जुड़ी हुई हमारी सभी महिला कर्मी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे टीएसआई साहब, उनकी पूरी टीम, ट्रैफिक के लोग, एनसीसी के बच्चे, उनके कमांडर तथा पत्रकार साथियों, आज एसीसीआई का ये कार्यक्रम मिशन शक्ति और यातायात के बारे में आयोजित किया गया। आप लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया और इसके पहले टीएसआई साहब ने जनपद के सभी विद्यालयों में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी और उस निबंध प्रतियोगिता के जो विजयी प्रतिभागी थे, जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी थे, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। उनके जो शिक्षकगण हैं जिन्होंने उस शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च कोटि से उन्हें देने में अपनी समर्थ भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप वे प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त कर सके हैं, उन बच्चों से ज्यादा उन शिक्षकों के प्रति मेरा आभार, साधुवाद, शुभकामनाएं कि आपने मेहनत करके बच्चों को बहुत अच्छा नागरिक बनाने में अपना योगदान दिया है। ट्रैफिक के नियमों के बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ रोजगार में सुधार हो रहा है, लेकिन जिस गति से सुधार होना चाहिए उसमें अभी वो गति नहीं आ पाई है। वो गति आप ही दे सकते हैं। आप अपने परिवार के माताजी, पिताजी, भाई बहन जो भी वाहन चलाते हैं और आप स्वयं यदि वाहन चलाते हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से पूरी होती है, गाड़ी के पूरे कागजात लेकर चलें। कोरोना काल में आपने देखा काफी दिन तक लॉकडाउन रहा, विद्यालयों की जो शैक्षिक वातावरण था उसमें काफी व्यवधान हुआ। अब स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं, नाइन्थ और उसके ऊपर के स्कूल, उनके पेरेंट्स के कंसेंट से वहां बच्चे जाने लगे हैं। अभी छोटे बच्चों का स्कूल नहीं खुला है। इस सारे व्यवधान में और इस कोरोना काल में आप सबने मेहनत की, लेकिन अब ऐसा न हो कि अंतिम चरण में शिथिलता की वजह से सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। इसलिए जो इसकी गाइडलाइंस हैं, दो गज में बने रहना, मास्क लगाते ही घर से बाहर निकलना, छूना नहीं, इन सब चीजों का आपको अभी आगे भी पालन करते रहना है। इसी तरह से हमारी जो मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक की और 6 महीने के लिए पूरे प्रदेश में चालू किया है, ये जन जन का आंदोलन बने, केवल महिलाओं का आंदोलन बढ़ के न रह जाए, महिलाएं अपने शक्ति के प्रति और सजग हों और लोग ये जाने कि ये शक्तियां हैं जिससे समाज में, परिवार में उनके मान सम्मान में और वृद्धि हो और उनके विरुद्ध कोई अपराध गठित करने की, कार्य करने की किसी में हिम्मत न हो। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए, महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में सचेत, सतर्क और सावधान करने के लिए ये मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का प्रारंभ किया है और मुझे उम्मीद है कि इसकी सफलता को देखते हुए हो सकता है आगे और ये अभियान बढ़े। लेकिन जितने दिन तक ये अभियान है, इसी के साथ जो एंटी रोगियों का अभियान चल रहा है, इस अभियान को भी सफल बनाने में आप सबकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं के अगेंस्ट कहीं कोई अपराध हो, आप 1090 पे, 108 पे जाकर के किसी भी समय शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 180 पे जाकर के कभी भी शिकायत आप कर सकते हैं। कहीं बच्चे, छोटे बच्चे मिसिंग पाए जाते हैं, हमारे यहाँ वन स्टाफ सेंटर खुल गया है, वन स्टाफ सेंटर 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ पुलिस के हमारे कर्मचारी नियुक्त हैं, वन स्टाफ सेंटर का स्टाफ नियुक्त है, डीपीओ साहब
उसको देखरेख में चल रहा है और 24 घंटे वहां सहायता के लिए उपलब्ध है। आप उनकी मदद लें, महिलाएं अपने को सशक्त महसूस करें, समान नागरिकता के अधिकार का सदैव प्रयोग होना चाहिए। महिलाएं अपने को उतनी ही सशक्त महसूस करें जितना पुरुष महसूस कर रहा है, और इसी भाव को जागृत करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और स्थापित करने के लिए मिशन शक्ति चालू की गई। मुझे उम्मीद है हमारी जो मिशन शक्ति की लड़कियां हैं थाने पर जब रहती हैं, कोई महिला विशेष रूप से जब थाने पर प्रार्थना पत्र लेके आती हैं, तो उनके प्रति सहिष्णुता बरते हैं। गांव की महिला है, हो सकता है पढ़ी लिखी न हो सकता है आप जिस शब्दों की अपेक्षा उनसे कर रही हैं वो शब्द उसके पास नहीं है, वो टूटी फूटी भाषा में, ऐसी भाषा जो भाव कुछ को कह कुछ जाती है। आप उसका प्रार्थना पत्र लीजिए, उससे डिटेल में बात करिए, बात समझिए और कोशिश करिए उसे न्याय मिले। थाने की सफलता मिशन शक्ति की इसी बात पर निर्भर करती है कि किसी भी थाने की कोई महिला हमारे पास ना आए। अगर कोई महिला प्रार्थना पत्र लेकर के पुलिस कार्यालय के चक्कर लगाती है, कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के दफ्तर में बार बार जाती है या मेरे दफ्तर में आती है, तो ये निश्चित रूप से महिला का जो हमारा ये मिशन शक्ति है उसका फेल है। कोई महिला आपके थाने पर आ गई, आप इतनी सक्षम होनी चाहिए कि अब वो महिला यहाँ से ऊपर न जाए। हम लोग अगर कोई महिला गोरखपुर मंदिर में चला जाए, तो हम लोग महिला ही पुरुष भी अगर चला जाए तो हम चिंतित होते हैं इसके साथ न्याय क्यों नहीं हो पाया और क्यों ऐसा वातावरण बनाया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसको ऊपर जाना पड़ा, वो फिर कहीं हम लोगों का। तो महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति जो शुरू की गई है, इसकी सफलता इस बात में निर्भर करती है कि आप थाने में आने वाली प्रत्येक महिला को न्याय देने में, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने में, उसकी गरिमा बरकरार रखने में कितना योगदान करती हैं। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो समस्या महिला आपके सामने लेकर आई है वैसी समस्या आपके सामने भी आ सकती है, तो निश्चित रूप से आप बेहतर काम कर सकेंगी। महिलाओं को यहाँ आने का कष्ट किया है।